प्रदूषण पानी से हम दुखी हैं, हमारी मांगे पूरी करो। बिल्कुल समाधान ही कराएंगे इनको, इनको मैटर विजिलेंस में दर्ज करके और यही करते ना, उनसे को यही बुलाएंगे और उसमें आप भी पदार्थ आपके सामने पुलिस से चर्चा भी करेंगे आप में से भी। जैसे ये मामला साहब, ये सोनडी में RSMM की माइंस स्थापित है 2011 से, वहाँ से जो केमिकल युक्त पानी है वो स्टोरेज किया जाता है, फिर उसको बारिश के मौसम में छोड़ा जाता है। अभी हमने 2014 से लेके हम संघर्ष के ये मतलब संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब हमने माननीय विधायक महोदय जी के माध्यम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें सर केमिकल युक्त पानी और बेंटोनाइट जमीन बंजर हो जाती है वो उसको रोका जाए, इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को अवगत करवाया। खेत सर मिट्टी और पानी केमिकल युक्त आती है तो उससे ज़मीन में घास भी नहीं उगता है और पूरी ज़मीन बंजर हो चुकी है, पूरी ज़मीन नष्ट हो चुकी है। अब उसको फसल नष्ट हो गई, फसल को विकसित करने के लिए वहाँ जो बंजर ज़मीन है उसको मिट्टी हटाई जाए और वहाँ पहले चारा ग्रह विस्थापित किया जाए, उसके बाद में जो ज़मीन नष्ट हुई उनका किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। कमजोरी सर प्रशासन की है और जो माइंस में जो अर्थधर्मिता के जो अधिकारी है उनकी तानाशाही है, वो हमारी मांगों को आगे तक वाजिब मांगे वहाँ तक नहीं पहुँचाने का कारण ये हमारे को ये संघर्ष करना पड़ता है। तो जिला कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने कहा कि हम एक टीम बनाएंगे और उसके माध्यम से MLA साहब और जनप्रतिनिधि उनको बिठा के आमने सामने बात करेंगे और इसका समाधान करवाएंगे। ग्रीन बेल्ट का क्या हाल है? ग्रीन बेल्ट तो साहब खाली नाम मात्र है।